हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? मैं हूं मुकेश और आज है तारीख 7 मई 2021, यानी कि मौत का सीजन चल रहा है, आपको पता ही है। और इस सीजन में आज एक बार फिर मैं उड़ चुका हूं, बिल्कुल सेफ आपके सामने बैठा हूं। और टाइम हो चुका है लगभग 6:30 बजे का, इसलिए थोड़ी बहुत चाय पी लेता हूं पहले, क्योंकि सुबह का समय है, चाय तो सभी पीते हैं। और फिर बाद में आपके साथ शेयर करूंगा मेरा अपना डेली का रूटीन, मैं कहां जाता हूं, कहां किससे मिलता हूं, कैसे रहता हूं, क्या काम करता हूं, क्या नहीं करता हूं, वो सब आपको इस वीडियो में देखने को मिलना। तो दोस्तों, चाय का कप खाली हो चुका है और अब हम चलते हैं टूर पर। तो अभी हम चलते हैं हमारे खेत की तरफ, वहाँ चलकर हम आपको बताएंगे कि खेत में कौन सी फसल बो रखी है, वो कितनी बड़ी हो चुकी है, उसमें सिंचाई कब करनी है, सारी प्रक्रिया हम अभी खेत के अंदर चलकर आपको बताएंगे। और साथ ही हम बताएंगे हमारी बोरवेल के बारे में, जो कि ट्यूबवेल है वो भी आ चुकी है। ये देखिए, ये है हमारी बोरवेल जिसके माध्यम से हम खेतों में सिंचाई करते हैं। इसका पानी काफ़ी मीठा है और ये है यहाँ की पाइपलाइन जो सीधे हमारे खेतों में पानी पहुँचाती है। इस खेत के अंदर हमने कपास की फसल बो रखी है, ये सारा खेत है, लगभग 10 बीघा है। इसके पूरे के अंदर हमने कपास की फसल बो रखी है, लेकिन कपास का पौधा अभी निकल रहा है, पूर्ण रूप से पूरा नहीं निकला है। ये देखिए, छोटे छोटे पौधे हैं अभी तो। ये रहा एक छोटा सा पौधा, ये अपनी जगह जगह निकल रहे हैं, लेकिन पूरी अभी नहीं निकली है। जो खेत अभी खाली पड़े हैं वहाँ पर अभी बकरियाँ चल रही है, ये देखिए बकरियाँ, और कुछ भेड़ें भी हैं इसके अंदर। और ये एक बकरियाँ चराने वाला गोरी है, छोटा सा बच्चा है, लेकिन इतनी सारी बकरियाँ एक साथ चरा लेता है। ये जो खाली खेत पड़े हैं अभी इनमें चर रही है, और बाकी खेतों में हमने कपास की फसल लगा दी है। और बीरा कहीं करे तुम बकरियाँ चरा, ये सब थारी है? हाँ। एक लो जरा, और कोई हाथ है? तो दोस्तों, आपने सांगरी के बारे में तो सुना ही होगा, वो इसी पेड़ के लगती है। ये पेड़ खेजड़ी का पेड़ है और इसे हमारे किताबी भाषा में कल्प वृक्ष भी कहते हैं, लेकिन ये एक आधी सांगरी लगी हुई है इसके, ज़्यादा तो नहीं है अभी। और ये सांगरी की सब्जी स्वास्थ्य के लिए बहुत ही लाभदायक है, हरी सब्जी है, इसी पेड़ के लगती है ये सांगरियाँ। ये देखिए, और पूरा हम चौप दी पर क्या फोड़ा गल ले।
और पितर है। इधर नहीं आई आदमी सुबह नहीं सुबती बोल। और पितर है। हाँ गया फोन में फोटो इधर। अनाव। ओले भाई। उमा गड़मान पाण चो पाण दी। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे खेत और ये थी हमारी कपास की फसल जो भी आपको बताई थी हमने। और ये कुछ इस प्रकार सिंचाई हो रही है हमारे कपास के खेतों में और पौधा भी आपने देख लिया, बीज भी आपको बता दिया। और अब बताएंगे एक ऐसी जगह जहाँ पर हम एक और बोरवेल का उद्योग करवाने जा रहे हैं। पानी तो वैसे उसमें भी फुल है लेकिन फिर भी एक और करवाएंगे।